अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। अच्छा जी, मैं आज बना रही हूँ अरवियों का सालन। सबसे पहले डालूँगी एक कप ऑयल का, सॉरी घी का। एक कप घी मैंने डाला, उसमें मैंने अरवियाँ डालनी हैं घी गर्म होने में। जब घी गर्म हो जाएगा उसके अंदर मैं अरवियाँ डाल दूंगी, गोल कटे हुए अरवियाँ। इनको 5-7 मिनट मैंने इनको फ्राई करना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे एक खाने का चम्मच मैंने नमक डाल दिया। बस इसमें एक करनी रह गई है, तकरीबन गल चुकी हैं ये अरबियाँ। अब मैंने निकाल दिया इनको। अब उसी घी में मैंने प्याज डाल दिए, चॉप किए हुए प्याज। एक खाने का चम्मच मैंने अदरक लहसुन डाल दिया। अच्छे से भूनना है, बस ब्राउन करना है। अच्छे से भून गए हैं। वैसे के अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल दिए खाने का चम्मच, जीरा पाउडर डाल दिया, सॉरी साबुत जीरा एक खाने का चम्मच, एक खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर डाल दिया। अच्छे से ग्रेवी तैयार कर लें। वन टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स मैंने डाल दिया। तीन टमाटर मैंने ग्राइंड कर लिए हैं, पीसे टमाटर तीन बड़े। वन टीस्पून हल्दी मैंने डाल दी। अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो रही है। अब इसमें डाल दूंगी अरबियां। तीन पाव मेरी अरबियां थी। अच्छे से मिक्स किया। एक टीस्पून मैंने जीरा पाउडर डाल दिया। तीन से चार हरी मिर्चें मैंने डाल दी। अच्छा सा बस भूनने से
थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, बस इसे मिक्स किया। आप चाहे इसको गाढ़ा रख दें, आप चाहे इसको शोरबा बना लें इसका। मैंने काली मिर्च पाउडर मैंने 1 टीस्पून मैंने डाला, गरम मसाला पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून डाला, एक गिलास पानी डाल के बस इसे थोड़ा दम दे देंगे। पांच मिनट के लिए बस तैयार हो चुकी है। हरा धनिया डाले 2 खाने के चम्मच बड़े, बस अब ये डन हो चुकी है। हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।